सबक सिखाती है। आप बताइए ज़रा कुछ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, और दुनिया के हर एक ब्रिटिश हस्बैंड के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली हम लोग चटनी के बाद हमारी कोशिश थी कि एक काइंड ऑफ सीक्वल जैसा बनाएं, पर आई डिडंट वांट टू मेक अ डार्क फिल्म और अ फिल्म विच इज़ अगेन लाइक अ इट हैज़ टू बी अ थ्रिलर बट अ कॉमिक थ्रिलर। तो वी वर वेरी क्लियर ऑन द काइंड ऑफ फॉर्मेट, हमें ऑलमोस्ट एक साल लग गया ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढने में, एंड टुडे वी सॉ द फर्स्ट शो एंड इट वॉज जस्ट सो फैब्यूलस द ऑडियंस रिस्पॉन्स, एंड बस हम वेट कर रहे हैं कि कब हम चुनी को और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि वी शुड रिलीज छुरी एंड शो इट टू द वर्ल्ड। तो ये मैं बोल रहा था कि ये सारे हस्बैंड को क्या कहना चाहेंगे आप जो अपनी वाइफ के अलावा और भी जाते हैं लोगों के पास? आप सिर्फ चटनी और छुरी देख लीजिए, उसके बाद मेरे को जो कहना है मैंने अपनी फिल्मों के थ्रू कह दिया है। ओके, अनुराग सर ने कहा कि सिर्फ आपके वजह से ही उन्होंने साइन दी थी मूवी, तो ऐसा आपने क्या कहा था कि उन्होंने झट से हार गए? आई थिंक ही रियली लाइक चटनी, बट मैंने भी बहुत प्यार से उन्हें मनाया था। और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा अंदर उसके बाद? फैब्यूलस, वी आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। हाउ वाज अनुराग एज एन एक्टर ऑन द फाइनल? ही वाज अमेजिंग, अनुराग का अनुराग कश्यप एज एन एक्टर वॉज फैब्यूलस ऑन सेट, ऐसे एकदम बच्चे जैसी एनर्जी, एंथुजियास्टिक, फ्रेश, हाँ मैं एक बार और करता हूँ, मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। ही डिडंट गेट एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑन सेट, बट सपोर्टिंग, इनकरेजिंग, कहा थोड़े और घंटे रहना है, मैं और थोड़ी देर भी रह जाता हूँ। सो ही वॉज जस्ट अमेजिंग। शॉर्ट फिल्म आर द फ्यूचर because people on their mobile phones want to see something which is 5 10 15 20 minutes, you know, ek jagah se dusri jagah ja rahe hain traffic mein, ek ye tarah ka micro content which is going to be big, and the other thing which is going to be big is binge watching. Look, people 5 6 7 8 episode 1 2 3 4 ghante saturday ko baith ke ya sunday ko baith ke apna favorite show ya apna favorite film dekhna chahte hain, so I think ye do tarah ke polarize ho jayenge content, या तो माइक्रो कंटेंट या बिंज वॉचिंग, इस दो तरह के कंटेंट्स में पोलराइज हो जाएगा व्यूअरशिप। मैम, डू यू थिंक क्या शॉर्ट मूवी के वजह से लॉन्ग फीचर फिल्म इफेक्ट हो रही है, क्योंकि एक 20 मिनट्स में पूरी कहानी बताई दी जाती है और फीचर फिल्म में ढाई घंटे लग जाते हैं, तो उसके वजह से आपको नहीं लगता थोड़ा बहुत फीचर इफेक्ट हो रही है मूवी? नहीं, आई डोंट थिंक कि फीचर फिल्म्स को कुछ इफेक्ट करेगा, बिकॉज कुछ कहानियाँ 15 ही मिनट डिजर्व करती हैं। अगर उस कहानी को आप लंबा खींचोगे तो वो पतली हो जाएगी, उसके अंदर उतना सब्सटेंस नहीं बचेगा। सो आई थिंक द आइडिया इज़ कि देर आर फिल्म्स विच रिक्वायर टू एंड हाफ आवर्स, थ्री आवर्स, नॉट थ्री आवर्स बट मे बी लाइक टू एंड हाफ आवर्स, टू आवर्स, स्टफ लाइक दैट, एंड देर आर सर्टन फिल्म्स विच कैन, ओके, सो या आप या तो आप व्हाट वाज आई सेइंग नाउ फॉरगॉट ओनली फीचर फिल्म, हाँ, सो आई थिंक फीचर फिल्म्स की अपनी कहानी, उसका अपना ड्यूरेशन होता है, जिस आपको एक डेढ़ दो घंटे चाहिए, ढाई घंटे चाहिए टू फिनिश दैट स्टोरी, पर कुछ आइडियाज़ हैं विच आर ओनली लाइक 15 या 20 मिनट में यू कैन फिनिश दैट आइडिया, उसको खींचोगे तो वो फिर पतला हो जाएगा। तो हमें समझ कि ये वो वजह है कि हस्बैंड के मुझे गायब होने की, आप बताइए आप कुछ बताते नहीं मेरे हस्बैंड के मोजे नहीं गायब होते, थैंक यू। अब क्या 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 मैम, आल्सो डू यू थिंक द फैक्ट दैट देयर इज नो सेंसरशिप प्रेजेंट इन शॉर्ट फिल्म्स टिल नाउ हेल्प्स एन आर्टिस्ट फ्लावर आल्सो द डायरेक्टर? Certainly, certainly, the digital space provides for people to be able to freely express. There's no curtailing of content on the short space and in digital. So the content can be far more true to the way the story needs to be told, which I think is just fabulous. Yeah, thank that you. Is true. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सुमारी जी देखिए मैंने जूस, आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि जो एक मैसेज दिया हम उसके बारे में बात करेंगे, आपका पर्सनली कैसा रहा एक्सपीरियंस? ओह, इट्स माय प्लेजर
मतलब नीरज के साथ काम करना इट्स एब्सोल्युटली एन ऑनर. रोल तो बहुत खूबसूरत था बट फिल्म बहुत खूबसूरत है एंड द फिल्म इज बिगर देन द एक्टर ऑलवेज. सो आप मानती हैं कि हर जो दुनिया के जितने भी मैन फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको ये मैसेज देना बहुत ही ज़रूरी है कि वो एक जगह पे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं और अपनी वाइफ को ये लाओ वो लाए फिर जिस तरह से आप जाके बैठ के फिर उस कूलर के सामने जाके बैठ उस तरह से मैसेज देना ज़रूरी है. यू नो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये इंटरनली हर इंसान को समझना चाहिए क्योंकि मंजू जो चीज़ के लिए वो जो एंड में आकर बैठती है इट्स नॉट अबाउट वन अपमैनशिप. मतलब मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ या मैं तुमसे मेरा दर्जा बड़ा है. शी इज़ नॉट फाइटिंग फॉर फेमिनिज्म एट ऑल. वो सिर्फ इक्वालिटी की बात कर रही है. अगर आप वहाँ बैठ सकते हैं तो मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ, मेरा भी घर है. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो ये बात तो हर इंसान को खुद को समझनी चाहिए एंड इट हैज़ टू नॉट आई मीन इट इज़ नथिंग टू डू विद अ मैन वुमन थिंग. इट जस्ट हैज़ टू डू विद इक्वालिटी. इतनी सिंपल सी बात है. Extremely encouraging and you can experiment without having to, you can experiment without having to worry what if it doesn't work. I mean you can tell your short stories. It's also a difficult medium because there's so much to tell and there's such a short time, but you can go out and take a risk and take a chance and say, you know what, I'm going to do this because I love it. Practically in terms of profit model, do you think that there is still much more that needs to be done for short films to get a lot of revenue, sponsors and stuff? How do you? Well, I guess yes. I mean, it's never less. It's never less. And but it's already, you know, started. The rolling is already started. People are looking forward to short films. So the viewership is much more. The sponsorship is much more. People want to be associated with films like this. So yeah, I think it's been set in motion. Thank you. मैं जूस तो पसंद करता हूँ लेकिन जूस का एक और अर्थ है कि रिस्पेक्ट. इसीलिए मैंने फिल्म का नाम भी जूस रख दिया था क्योंकि एंड में वो जाके जैसे बोलती है कि जैसे पुरुष प्रधान जो समाज है उसके बीच में हम लोग ये बोलते हैं कि मर्द वहाँ बैठे हैं औरतें यहाँ बैठी हैं, तो वो जाके अपना प्लेस क्लेम कर रही है कि मैं मुझे भी यहाँ बैठने का हक है, इसीलिए वो बैठ रही. नो इट इज़ अ वेरी बैड इंडियन मेंटेलिटी टू थिंक दैट वे बिकॉज I really genuinely enjoy short films more because it's A, you can get adventurous, you have total freedom to do what you want to do, and it also puts you in a discipline of time, so that really pushes you to tell a story at the shortest possible time. Is this superstars of Bollywood ever taking part in the short film? I mean they are, I guess, like, you know, Bombay Talkies was the one where I think a lot of stars are taking place, and even stars are waking up to that. I mean a lot of stars have, you know, express this interest in doing a shot with me, so it's pretty much there. In terms of profit model, are you the only way in which you can generate revenue, or see, there is a concept like my first film Shore, it was released as a compendium of couple of shots together, so it could also be a revenue model that way. It's like an anthology of 4-5 short films together and you release it as a film. That's also right. Thank you.